आज की जो क्लास है इसमें हम एमएस वर्ड में लिस्ट के बारे में देखेंगे। हम एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। एमएस वर्ड में फिलहाल होम टैब के अंदर हमारे पास बुलेट्स, नंबरिंग और डेफिनेशन लिस्ट के ऑप्शन हैं। इसको मल्टी लेवल लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट भी कहा जाता है। तो तीन प्रकार की लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये ऑटो भी क्रिएट करता है या फिर हम पहले टाइप करके उसके फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीके को हम देखेंगे और इससे फायदा क्या होता है ये भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, या फिर आप किसी स्टूडेंट का भी नाम लिख सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट नेम लिखूं तो रानू ही लिख सकते हैं। हमारे पास कुछ नाम यहाँ दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो लिस्ट है इसको हम तीन तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप पहले यहाँ पर टाइप कर लीजिए और इसको सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देना है, पहले आपको टाइप कर लेना है और इसको सेलेक्ट करना है। पहले यहाँ पर हम स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर देते हैं। आपको पता है कि लाइन के बीच की स्पेसिंग कम करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं, या फिर हम कस्टम या रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने स्पेसिंग कम कर ली है और हम यहाँ पर देखिए बुलेट ऑप्शन में जाएंगे। तो बुलेट ऑप्शन को यूज करने के लिए भी आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे तो डिफॉल्ट बुलेट जो है वो ये रहता है, ठीक है, सर्कल। और अगर आप अपने हिसाब से दूसरे बुलेट्स लेना चाहते हैं तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा बना सकते हैं। किसी बुक में देखे भी होंगे आपने ऐसा, ये देखिए ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आपको जो डिजाइन पसंद है वो ले लीजिए, और हटाना है तो नन कर दीजिए। क्लियर है? तो हमारे पास कई सारे बुलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बुलेट्स के को लगाया है जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? दूसरा तरीका होता है नंबरिंग करने का। नंबरिंग के लिए आपको यहाँ पर नंबर के बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे वन डॉट, यहाँ पर क्या लिखा है वन डॉट। तो आप देख पा रहे हैं कि आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, वन डॉट मोहन, टू डॉट मोहन, या फिर वन के बाद ब्रैकेट चाहिए तो ब्रैकेट, रोमन नंबर्स में चाहिए नंबरिंग, एबीसीडी में चाहिए, स्मॉल एबीसीडी में चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का नंबरिंग कर सकते हैं, जो कि कॉमन चीज है और बहुत लोगों को पता भी होगी। लेकिन इसमें कुछ चीजें हम देखेंगे जो थोड़ी सी अनकॉमन होती है या फिर लोगों को पता नहीं होती है, वो भी हम लास्ट में देखेंगे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग में हमको कैसे इनकी नंबरिंग की स्टाइल और नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना होता है या फिर डिफाइन कर सकते हैं हम। क्लियर है? तीसरा हम एक और फॉर्मेट देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबरिंग के फॉर्मेट ले लिया। अब इसका फायदा यह होता है कि अगर सोहन और रोहन के बीच में मैं एक नया नाम लाना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर रख के एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर बटन दबाते हैं तो बीच में एक ब्लैंक लाइन आ जाती है और नंबरिंग ऑटो एडजस्ट हो जाती है। देखिए नंबरिंग ऑटो एडजस्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर अजय लिखता हूँ तो देखिए नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। ये काम आप ऐसा करते तो नहीं होता। अगर मैं लिखता वन मोहन और टू सोहन और थ्री रोहन, आप ऐसा लिखते और टू और थ्री के बीच में आपको अजय लाना होता, तो फिर आपको ऐसा थ्री अजय लिखना होता। और नीचे अगर मान लीजिए 100 नाम लिखा हुआ है तो सबका नंबरिंग चेंज करना पड़ता। क्लियर है? यहाँ पर फिलहाल एक ही नाम लिखा है इसलिए नंबर चेंज करना काफी आसान है कि एक बार हम नंबर चेंज कर लिए। लेकिन अगर 3 के नीचे यहाँ पर 100 नाम और लिखे होते तो कुल मिला के 95 लोगों का नंबरिंग चेंज करना होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि अजय बीच में आ गया। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, अजय को आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिक नंबरिंग एडजस्ट हो जाएगी, जबकि यहाँ पर हटाने से नंबरिंग एडजस्ट नहीं होगी, सिक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो ये फायदा है बुलेट्स एंड नंबरिंग का, वो ऑटोमेटिक नंबरिंग को एडजस्ट करता है। आपकी लिस्ट का जो डेटा है वो बस आपको देना है, बाकी वो नंबरिंग को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। क्लियर है? दूसरा तरीका है कि नंबरिंग को आपको लिखने के लिए जब आप एंटर की दबाते हैं, लास्ट एलिमेंट पे आप एंटर दबाएंगे तो अगली नंबरिंग अपने आप आ जाती है।
यानी कि बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो आपके एंटर कीबोर्ड में एक एंटर बटन होता है उस पर काम करती है। आप यहाँ पर लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, जब भी आप एंटर दबाएंगे नया नंबर आ जाएगा। देखिए नए नंबरिंग आते जा रही है, क्लियर। तो इस तरीके से आप बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चीजों को देखते हैं। तीसरा जो नंबर फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके का लिस्ट बनाया है और नंबरिंग को मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सोहन और मोहन जो है PGDCA के स्टूडेंट हैं और मीना जो है वो DCA के स्टूडेंट है, तो मैं इसकी इसकी डेफिनेशन लिस्ट तैयार कर सकता हूँ। डेफिनेशन लिस्ट बनाने का भी दो तरीका होता है। पहला तो है ये आप ऑप्शन का यूज करिए, दूसरा है टैब बटन, कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसका यूज करके आप डेफिनेशन लिस्ट बना सकते हैं, क्लियर। तो चलिए डेफिनेशन लिस्ट बना के देखते हैं। मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे देखिए इनकी लेवल वाइज फॉर्मेटिंग दी हुई है और इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको। तो लेवल वाइज फॉर्मेटिंग काफी आसानी से हम समझ सकते हैं टैब बटन करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 1, 1.1 इस तरीके से फॉर्मेटिंग दी हुई है। दूसरा दिया हुआ है ये वाला, देखिए इसमें पहला है रोमन, फिर ABCD, फिर 1, 2, 3 ऐसा दिया है। इसकी सीरीज देखना है आपको, क्लियर है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले हमारे पास, तो इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं हम। मान लीजिए ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ दिख रहा है, सबसे पहले लिखा है 1 ब्रैकेट, उसके नीचे लेवल पे लिखा है A ब्रैकेट और उसके नीचे लिखा है I, यानी पहले नंबर है फिर अल्फाबेट है फिर रोमन नंबर है। याद रखिएगा सीक्वेंस, नंबर, अल्फाबेट और रोमन नंबर। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो डिफॉल्ट यहाँ पर नंबरिंग दिख रही है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर इन दोनों को मुझे क्या करना है, सेकेंड लेवल पे ले जाना है। तो यहां पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड में टैब बटन दबाऊंगा। ध्यान दीजिए मैं टैब बटन दबाने जा रहा हूं। टैब बटन दबाने से ये राइट की तरफ खसकेगा और ये जो फॉर्मेट है, ये मैंने क्या दिखाया था फॉर्मेट, आप एक बार फिर से देख लीजिए, वो फॉर्मेट चेंज होगा तुरंत। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है मल्टी लेवल लिस्ट में ये वाला फॉर्मेट, देखिए 1 सबसे पहला लिखा है 1, उसके नीचे लिखा है A, यानी कि ये जो है सोहन जो है वो A बन जाएगा और रोहन B बन जाएगा, जबकि DCA बन जाएगा 2, ठीक है। मैं टैब बटन दबाने जा रहा हूँ कीबोर्ड में, देखिए अपने आप ये सेकेंड लेवल पे गया है। ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल जो था 1, 2, 3 था और ये ABCD था। वैसे ही मैं मीना को सेलेक्ट करता हूँ और टैब बटन दबा देता हूँ, देखिए ये सेकेंड लेवल पे चला गया है। तो इस तरीके से आप मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि ये फर्स्ट लेवल है और ये आपका सेकेंड लेवल है, और भी तरीके से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा PGDCA और उसके बाद लिखा PGDCA SEM 1, क्लियर है। और उसके बाद मैंने लिखा PGDCA SEM 2, और SEM 2 में दो लोगों का नाम हम लिख देते हैं, अजय और मुकेश, और DCA में भी इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं SEM 1, और इसके अंदर लिखा मैंने मीना और मंजू और DCA SEM 2, इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं मुकेश, राजेश, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अब इस लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दे रहे हैं ताकि ये पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे हमको। तो ये देखिए पूरी लिस्ट हमारे पास तैयार है, और आपको करना है ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये यहाँ तक DCA तक, ये पूरा का पूरा जो है PGDCA के अंदर है। तो पूरा सेलेक्ट किया और मैंने टैब दबाया, मैं टैब बटन दबाने जा रहा हूँ। ये देखिए टैब दबाने से ये ABCD में हो गया। वैसे ही DCA के अंदर ये सब है, तो मैं इनको टैब दबाया तो देखिए यहाँ पर PGDCA आया और DCA आया, और PGDCA के अंदर ये सारी चीजें हैं, DCA के अंदर ये सारी चीजें हैं।
अब पीजीडीसी के अंदर क्या है, पीजीडीसी सेम वन और सेम टू, तो मैं इसको सेलेक्ट करके फिर टैब दबा रहा हूँ। देखिए रोमन नंबर्स आएंगे अब, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर टैब दबाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, टैब दबाया, इसको सेलेक्ट किया, टैब दबाया। देखिए मल्टी लेवल लिस्ट हमारी तैयार है पीजीडीसीए। पहला लेवल जो है जिसमें आपको दिख रहा है पीजीडीसीए और डीसीए, सबसे टॉप मोस्ट लेवल है। पीजीडीसीए के अंदर दो सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू। सेमेस्टर वन के अंदर दो स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर टू के अंदर दो स्टूडेंट हैं। डीसीए सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू, इसके अंदर दो स्टूडेंट, इसके अंदर दो स्टूडेंट। अब देखिए लेवल वन जो है 1, 2, 3 से दिख रहा है, लेवल टू जो है वो आपका दिख रहा है ए बी सी डी से, और लेवल थ्री जो है वो रोमन नंबर से दिख रहा है। तो देखिए इसको ध्यान देना है आपको, वन ए और रोमन नंबर, और इसी को हमने सेट किया था यहाँ पर। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यही सेट किया था, देख पा रहे हैं आप, वन ए रोमन नंबर, क्लियर है, वन ए और रोमन नंबर आपने सेट किया था। तो ये वाला जो हमारा लिस्ट है, अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखिए ऐसा आ रहा है, पहले ये वाला साइन, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा, आप जैसे ऐसा ले सकते हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल वन आर्टिकल टू, इसका यूज इंडेक्स तैयार करने के लिए किया जाता है, या मल्टी लेवल लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए 1, 1.1, 1.2 ऐसा आने लगेगा। तो आप किसी बुक में देखे भी होंगे इस तरीके की फॉर्मेटिंग, कि आपने बुक में इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा भी होगा, और ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जो आज देखा टॉपिक, इसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, सॉरी लिस्ट के बारे में हमने देखा, टॉपिक हमारा था लिस्ट। एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास तीन प्रकार की लिस्टिंग उपलब्ध है। पहला जो ऑप्शन है, तीनों के तीनों लिस्ट जो है वो आपको होम टैब के अंदर मिलेंगे, आप होम टैब के अंदर देख सकते हैं। पहली जो लिस्ट है जिसमें सिंबल्स दिखाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बुलेट्स। इसमें अलग अलग प्रकार के आपको सिंबल्स दिखाई देंगे। दूसरी जो लिस्ट है उसमें आपको नंबरिंग दिखाई देगी, और अलग अलग फॉर्मेट में नंबरिंग दिखाई दे रही है। तीसरी जो लिस्ट है जिसको हम डेफिनेशन लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं, इसमें लेवल वाइज हम स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। ये तीनों लिस्ट को हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो थोड़ी सी अलग टाइप की चीज है, जैसे इस लिस्ट को 5 से स्टार्ट करना है, हमें लिस्ट की नंबरिंग हमको 5 से स्टार्ट करनी है, तो वो थोड़ी सी अलग चीज हो जाती है। बाय डिफॉल्ट लिस्ट जो है वो आपका 1 से ही स्टार्ट होता है, क्लियर है। इस तरीके का चेंजेस करने, अगर कोई आपको बोले कि ये लिस्ट बनी हुई है, ये 1 को मिटा के 5 लिख दो और 2 को मिटा के 6 लिख दो, तो आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। जब मैं इसको मिटाने की कोशिश करूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर 5 लिखूंगा तो इस तरीके से पूरी फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो जो इफेक्ट मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ पर हर ऑप्शन में, आप एमएस वर्ड की एक खास बात है, एमएस वर्ड में जितने भी सारे ऑप्शंस बने हुए हैं ना, सबके बगल में एक ऐसा एरो बना होता है। इस एरो का मतलब है कि आपको कुछ एडिशनल ऑप्शन मिलेंगे, और इस एरो में आप जब भी जाएंगे, किसी भी ऑप्शन के एरो में आप जाते हैं यहाँ पर, तो लास्ट में आपको ना यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेगा जो आपको बहुत सारे चीजें देगा। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो हर ये इसका पैटर्न है, इसमें पैटर्न बनाया गया है। तो किसी में भी आप एडिशनल ऑप्शन चाहते हैं तो उसके बगल में रखे हुए एरो पर जाइए, और नीचे में डिफाइन न्यू लिस्ट, सबसे लास्ट में लगभग मिलेगा आपको, लास्ट या सेकेंड लास्ट में मिलेगा, डिफाइन ए न्यू लिस्ट स्टाइल या डिफाइन ए न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे एडिशनल ऑप्शंस मिलेंगे, कि आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिल रहा है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट अलाइनमेंट है कि इंडेंटेशन कितना है, अलाइनमेंट कितना रहेगा, नंबर की स्टाइल कैसी रहेगी, फॉन्ट कैसा रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर हिंदी में लिखने बोल दिया गया कि यहाँ पर हिंदी में 1, 2, 3 लिखो, तो वो मॉडिफिकेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। लिस्ट बनाना तो बहुत ईजी है। तो देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, सबसे पहला तो है यहाँ पर, अब मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर कंटिन्यू नंबरिंग जो दिख रहा है, सेट नंबर वैल्यू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सेट नंबर वैल्यू जो 1 लिखी है इसको 5 कर देंगे।
अब देखिए लिस्ट जो है वो 5 से स्टार्ट हो रही है। बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी करिए लिस्ट वन। फिर से बताओ ना एडिट वाला। ओके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप यहाँ पर जब क्लिक करते हैं ना देखिए ये सारा एरिया हाईलाइट हो जाता है। 100 पेज में भी रखे हैं तो 100 पेज में भी सारा का सारा एरिया हाईलाइट हो जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट नंबर वैल्यू। आप चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है 4 से स्टार्ट हो 3 से स्टार्ट हो, तो जो भी नंबर आप देंगे वहां से गिनती स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए मुझे 1,000 लिस्ट बनानी है, तो एक आदमी को 1,000 लिस्ट बनाने के लिए नहीं दिया जाता, 100 लिस्ट एक आदमी को दिया जाएगा। फिर 101 से जैसे मान लीजिए वोटर लिस्ट बन रही है, तो उसमें लाखों हजारों लोग रहते हैं, तो एक आदमी टाइप नहीं करता है। पहला आदमी टाइप करेगा, एक मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक टाइप किया, दूसरा आदमी 101 से लेकर के टाइप कर रहा है 200 तक, तो जो दूसरा आदमी होगा उसकी लिस्ट अलग होगी, वो अलग कंप्यूटर में बैठा है, तो उसकी गिनती जो है 101 से स्टार्ट होगी। ऐसे तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी नंबरिंग। यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। क्लियर है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है देखिए, आप यहाँ पर जैसे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिस्ट इंडेंट भी दिखाई देगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप रिवर्स ऑर्डर में भी इसको सेट कर सकते हैं। एक बार आप जब यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे तो आपको रिवर्स ऑर्डर में भी सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी, कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं गया डिफाइन ए न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखिए डिफाइन ए न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, ये वो फीचर होता है जिससे आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट कैसी दिखनी है। अदरवाइज सब लोग पहले से बनी बनाई लिस्ट को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी पे काम चलाते हैं, लेकिन हमको खुद से नई लिस्ट बनानी है तो यहाँ पर जाएंगे हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास लिस्ट की स्टाइल दिख रही है, पहला दूसरा तीसरा ये लेवल दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो लेवल है देखिए 5 है, मैं चाहता हूँ कि पहला जो लेवल है ना इसमें ऐसा लिखा हुआ है PG-5, तो ऐसा आगे बढ़े PG-5 PG-6, देखिए यहाँ पर दिख रहा है PG-5 PG-6। ठीक है, सेकेंड लेवल जो है उसमें मुझे दिखना चाहिए यहाँ पर सेम सेम 1 M2, ऐसा दिखना चाहिए। तो मैं ऐसी लिस्ट यहाँ पर तैयार कर रहा हूँ, सेम 1 सेम 2। अब देखिए यहाँ PG-5 PG-6 ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पर आप ले सकते हैं सेम 1 और सेम 2। क्लियर है, तो इस तरीके से मैंने ये लिस्ट डिजाइन की है। और थर्ड में मैंने लिखा, मैं ऐसे लिख देता हूँ Sai 1 2, तो मैंने ये लिस्ट खुद से तैयार की है, ये मेरा खुद का फॉर्मेट है। तो जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा तो देखिए PG-5 PG-6 ऐसी लिस्ट तैयार हो रही है, PG-5 PG-6। अब मैं यहाँ पर अगर सेट करता हूँ कि एडजस्ट वैल्यू, यहाँ पर मैं एडजस्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ, या फिर जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा देखिए यहाँ पर Sai 1 Sai 2, जैसे मैं एंटर करूंगा तो Sai 3, मेरी बनाई हुई लिस्ट है, ये मेरा फॉर्मेट है। तो मैं मान लीजिए पीजी लिस्ट का रोल नंबर टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से देखिए PG-1 2 3 टाइप कर सकता हूँ। तो पीजी लिस्ट की मैंने लिस्ट तैयार की है और सभी का रोल नंबर मैं ऐसा 5 6 7 यहाँ पर दे रहा हूँ। मान लीजिए रोल नंबर 1 से लेके 4 तक जो है उन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, तो मेरी लिस्ट 5 से स्टार्ट होगी। बोलने का मतलब है कि इस लिस्ट को मॉडिफाई हम कर सकते हैं, पूरी की पूरी फैसिलिटी हमको ओपन मिली हुई है एमएस वर्ड में। और मॉडिफाई करना ही थोड़ा सा टफ काम होता है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा टफ काम है। और ये वाली अगर आप एमएस वर्ड में कहीं भी काम करने जाएंगे तो ये चीज आपको हमेशा सुनने मिलेगी कि आप ये लिस्ट को 5 से स्टार्ट करिए या 10 से स्टार्ट करिए। बाई डिफॉल्ट ये 1 से ही स्टार्ट होती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है उस समय, लिस्ट तो बनाने बन जाता है। क्लियर है, तो ये कॉमन चीजें हैं। आप जब भी एमएस वर्ड में कोई भी चीज को मॉडिफाई करना चाहें तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप उस ऑप्शन के एरो वाले में जाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में आपको लगभग मॉडिफिकेशन करने के लिए हर ऑप्शन में आपको मिलेगा मॉडिफिकेशन करने के लिए। जैसे आप नए प्रकार के बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो डिफाइन न्यू बुलेट्स,
आपको नए प्रकार की बुलेट्स यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे आपको ये वाली बुलेट चाहिए स्टार वाला, तो आप स्टार वाला बुलेट लगा सकते हो यहाँ पर। ये देखिए ऐसा स्टार स्टार आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी बीजेपी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बोलेंगे कि पंजा छाप का साइन यहाँ पर चाहिए बुलेट्स में, पंजा छाप में ये पॉइंट लिखा हो, पंजा छाप में ये पॉइंट लिखा हो। तो ये यहाँ पर नॉर्मल बुलेट्स तो हम लगा सकते हैं, लेकिन पंजा छाप का जो सिम्बॉल रहता है उसको आपको यहाँ पर डिफाइन ए न्यू बुलेट करके आपको लाना होता है। या फिर आप किसी पंजा छाप की पिक्चर लीजिए, उसको क्लिक करिए और उस पिक्चर को, जैसे पंजा छाप की पिक्चर है मान लीजिए, उसको कैमरा से क्लिक किया आपने, जैसे ये पत्ती की फोटो दिख रही है, मैंने इसको लिया और यहाँ पर आ गया, देखिए ये ऐसा फोटो दिख रहा है। तो यहाँ पर पंजा छाप का फोटो आ जाएगा, जैसे पॉम्पलेट वगैरह छपता है वहां देखिए पंजा छाप रहता है और उसके बाद में उनके कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखा होता है, फिर सेकंड पंजा छाप रहता है, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा होता है। वैसे बीजेपी जो रहते हैं यहाँ पे कमल का फोटो रहता है, तो वहां पर उनको कमल का फोटो ही चाहिए, उससे अच्छा फोटो देंगे तो नहीं लेंगे, उनको कमल ही चाहिए। तो वो इसको मॉडिफाई करना जो है वो थोड़ा सा अलग टेक्निकल काम है और बहुत सिंपल है, कोई बहुत चीज नहीं है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान कब जाता है, जब हमको वो काम करने के लिए बोला जाता है और हम नहीं कर पाते हैं तब उसको सीखते हैं, लेकिन आप अभी से यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक देखा, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, हमने जो टॉपिक देखा है इस टॉपिक का नाम है लिस्ट। एमएस वर्ड में लिस्ट बनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं और कई सारे बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट दिया गया है। इसको मॉडिफाई करने की फैसिलिटी भी दी गई है और लिस्ट बनाने से फायदा ये होता है कि हम जब भी लिस्ट के कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं, लिस्ट की नंबरिंग, बुलेट्स ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं, हमको फॉर्मेटिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं डीसीए को देखो इंडेंट करता हूँ या टैब देता हूँ तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ऐसा करने से वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। जैसे ही मैं उसको टैप के एडजस्ट करूंगा वो ऑटो एडजस्ट होते रहेगा, ये फायदा होता है। तो ये हमारा था टॉपिक आज का, इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।